परीक्षा करनी है पास रोक के रखना अपनी सास अपनी एक ही आस एक ही आस हाँ सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस ना तू ले तो इस बार तू आड़ दे छह फुट अंदर गाड़ दे आसमां को फाड़ दे जोर से दहाड़ दे अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है

ढाई घंटे जिस बच्चे ने अभी ये मुझे ढाई घंटे दे दिए अपने एक घंटे तो लगातार यूट्यूब और, और आपका ऐसा वादा हुआ था जब चार साढ़े चार हजार आप मैं आपको दो घंटे पढ़ा रहा था तो आज आपके साथ यूट्यूब पे क्या होने वाला है एक गेम का मैदान है तो कल आप जंग के मैदान में जा रहे हैं एक तरीके से है ना तो जंग नहीं जैसी परफॉर्मेंस करी है अभी तक मेहनत करी है उसी के हिसाब से कोशिश कीजिएगा और डरिएगा मत कि मेरी शिफ्ट क्या जा सकती है मेरी शिफ्ट क्या जा सकती है परेशान होने की जरूरत नहीं है आपकी शिफ्ट हो सकता अगर पहली बार चाहे लास्ट वीक आपका एग्जाम था चाहे अब इस वीक आपका एग्जाम है पहली शिफ्ट में हो दूसरी में हो तीसरी में हो चौथे में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है जिस शिफ्ट के हिसाब से अगर अच्छी शिफ्ट भी आई तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएंगे पहले एक बार क्रॉस चेक कर लूँ क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है बारह पजल होंगी अलग इसके तीन सेशन स्पेशल पर हैं और यूट्यूब पे अभी क्या होने वाला है उसका बताता हूँ पहले एक बार वॉइस चेक कर लूँ सब ठीक है दोस्तों सब सब ठीक है है ना सब सही है। तो बारह पजल की पहले मैं बात कर लूँ बहुत मेहनत से बनाई गई है तीन अलग अलग सेशन रखे हैं सबसे आखिरी का सेशन सबसे तगड़ा होगा तो सबसे आखिरी वाला सेशन जो रात दस बजे वो देख लो पहले रात को दस बजे सेशन है रो में आठ मेंबर नॉर्थ साउथ रो में आठ मेंबर नॉर्थ साउथ और अनसर्टेन रो सर्किल में आठ मेंबर इन आउट और अनसर्टेन सर्किल ये तो दस से साढ़े दस बजे का शो है दस से साढ़े दस बजे का शो है रो इन आउट या अनसर्टेन रो सर्किल इन आउट या अनसर्टेन सर्किल कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में कोई ना कोई मिल जाएगा आपको इसके अलावा ये सेशन है ये वाला साढ़े नौ बजे इसमें क्या है फ्लैट फ्लोर फोर इंटू टू फ्लैट फ्लोर प्रोडक्शन वाला वो जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो पूछता है तो मैंने रख लिया प्रोडक्ट परचेस करने वाला ट्राइंगल कोई भी पूरी कोशिश है ट्राइंगल में केवल छह तीन तीन अंदर तीन बाहर तो तो नॉर्मल रखा है अगर आ जाएगा बढ़िया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं और पोस्ट फ्लैट फ्लोर प्रोडक्शन ट्राइंगल और पोस्ट और नौ बजे सेशन है डबल रो जो आया था क्लर्क में सात साउथ सात नॉर्थ होगा इजी पर सात साउथ सात नॉर्थ कैटेगरी वाला मार्केटिंग फाइनेंस एच आर वाली रेक्टेंगल कल काफी बच्चों ने कहा सर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल करा दो तो थोड़ा रेक्टेंगल रख दिया मैंने उसका नाम ठीक और लास्ट में मंथ थ्री इंटू टू या फोर इंटू टू तो ये तो पजल का सेशन हो गया अब यूट्यूब पे क्या क्या है खास उस पर एक बार बात कर लेते हैं अभी के लिए यूट्यूब पे क्या है तीन इन इक्वालिटी डायरेक्ट तीन इन इक्वालिटी कंबाइंड क्योंकि सेकेंड कल दूसरा हफ्ता है शायद डबल डबल वाली भी दे दें तीन दो इंटू टू दो स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन और तीन सिलॉक्स तीन तीन दो कॉन्क्लूजन दो स्टेटमेंट तीन सॉरी दो स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन और तीन स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग उसने एक पूछा था मैंने दो पूछे एक एक नंबर वाले दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग दो क्वेश्चन जो वो पूछता है पेयर वगैरह बनाने वाले बेसिक वाले और दो सीरीज तो अट्ठारह क्वेश्चन तो ये हो गए छह छह बारह छह अठारह इसके अलावा ब्लड रिलेशन डायरेक्शन ऑर्डर रैंकिंग बिना किसी देरी के आप नॉन स्टॉप उड़ाते हैं सेशन को बिना किसी देरी के तो आपके लिए मोटिवेशन तो आपके लिए मोटिवेशन फेक जहां तक भाला जाए आपको बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा कट ऑफ कितनी जाएगी एग्जाम के बाहर जब निकलेंगे ना कल कुछ ऐसा परफॉर्म करके आना कि एग्जाम के बाहर जब निकलो ना तो किसी से पूछना ही ना पड़े कट ऑफ कितनी जाएगी मेरा पेपर कैसा था इसका पेपर कैसा था ये वाली शिफ्ट कैसी थी वो वाली शिफ्ट कैसी थी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो बच्चा सिलेक्शन का हकदार है उसको कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है मेरी शिफ्ट टफ थी या इजी थी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस ढाई घंटे पढ़ने के बाद आपको कल के किसी भी शिफ्ट के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली जितना भी वो आगे पीछे सोच सकता है मैंने सब सोच लिया क्लर्क प्री लेवल आपके लिए लेकर आया हूं तो ऑल दी वेरी बेस्ट जम के, के परफॉर्म कीजिएगा अगले ढाई घंटे रेडी आप लोग एक बार कॉमेंट कर दीजिए सर वी ऑल आर रेडी लिख दीजिए एक, एक, बार यस सर वी ऑल आर रेडी हम लोग तैयार हैं यलगार हो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पर टाइमर के साथ शुरू करते हैं अब रुकेंगे नहीं अब तो उड़ा के रखेंगे पेपर को उड़ा के फेंक देंगे यार चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा उड़ाइए तीस सेकंड का समय है पढ़िए उड़ाइए फटाफट उड़ाइए पढ़िए और उड़ाइए टाइम अप समय समाप्त क्वेश्चन में कह रहे हैं नंबर फर्स्ट और लास्ट बदल दो सेकंड और सेकंड लास्ट बदल दो इतने में ही मैं जानता हूं जो मेरे साथ पढ़ता है उसके ब्रेन को क्लिक किया हो गया अच्छा क्या करेंगे राइट right कॉर्नर को लिख देंगे लेफ्ट और लेफ्ट वाले को लिख देंगे राइट right. लिखेंगे नहीं समझ लेंगे है ना लिखने मत लग जाना वरना पांच छे सेकंड तो इसी में बर्बाद हो जाएगा लिखना नहीं है समझ लेना है कि राइट right वाला हो गया लेफ्ट लेफ्ट वाला हो गया राइट right. क्वेश्चन है थर्ड फ्रॉम दी राइट एंड तो राइट right एंड से थर्ड ये रही नमस्ते करो निकल लो कहा गया ये रहा नमस्ते करो निकल लो क्लियर है भाई नमस्ते करो और निकल लो अगला क्वेश्चन जो पिछले साल आर ने हमसे लिया था अभी इस बार उसने दिया नहीं क्या पता अब कल वाले में दे दे पिछले साल आर के हर एग्जाम में एग्जामिनर ने लिया था क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर देख के करें ये लीजिए उड़ाए उड़ाएं फटाफट ये रिकॉर्डेड है मेड फॉर फन हाँ तुम्हारे लिए तो रिकॉर्डेड ही है तुम खुद ही रिकॉर्डेड आदमी हो मेड फॉर फन इससे पहले मैं अपने फन से तुम्हें डस लूं तो चुपचाप निकल लो यहां से इसमें चालीस सेकेंड पैंतालीस नहीं चालीस वो कह रहा रिकॉर्डेड है ये आदमी की जान जा रही नमकीन भी लाइव खा रहा हूं कहो तो दिखा दो तुम्हें चलो आंसर बताओ <laughs> कह रहा रिकॉर्डेड है फास्ट जल्दी से जल्दी बताओ हां बोथ बोथ बहुत मार लगेगी बोथ वालों ढंग से देख लो वॉवल को फर्स्ट अरेंज करो एल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट को अरेंज करो एल्फाबेटिकल में ठीक है वॉट इज द पोजिशन ऑफ सी इन द वर्ड दस फॉर्म सी की पोजिशन बतानी है सी एक कॉन्सोनेंट है पहले काउंट करो वॉवल कितने है? देखो एक दो तीन चार चार वॉबल हो गए इसके बाद कॉन्सोनेंट में सबसे छोटा कॉन्सोनेंट ये रहा पांच तो ये आया लेफ्ट साइड से छे लेफ्ट साइड से ये रहा बस ये चेक कर लो लेफ्ट साइड से छ़े वाला राइट साइड से आठ तो नहीं है लेफ्ट साइड से वाला राइट साइड से आठ तो नहीं है क्रॉस चेक करो दो दो चार दो छ दो आठ दो दस ग्यारह भैया ग्यारह माइनस छ प्लस वन तो भैया राइट साइड से भी छह ही आता तो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पांचवा नहीं अगर पांचवा आप कर रहे हैं तो गलत केवल एक ही आंसर आएगा ऑप्शन डेली हम लोगों को पता चलता था बस चार हजार पांच हजार आ रहे हैं अब हमें लाइव भी पता लगेगा कि है कितने लोग एक बार सेशन को लाइक ठोक दीजिएगा अगले ढाई घंटे आपके साथ कंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कोडिंग डिकोडिंग उसने एक क्वेश्चन रखा था मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन रखे हैं समझना है फिर आंसर हो 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 गया हो गया हो गया आ गया आ गया वापस वापस आ आ ओबीएस कनेक्टिंग सक्सेसफुली यार जब भी ऐसा कुछ होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है आप ठीक है एक बार कमेंट कर दो आप ठीक है वेट 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 आप ठीक है एक बार कमेंट कर दो देखो जब भी कुछ अच्छा होगा तुम लोग इतने सारे सारे के सारे इस क्लास में आते हो इतना सारा जब इतना अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत खराब होना लाजमी है पैनिक मत किया करो परेशान मत हुआ करो मैं यहीं हूं आपके साथ ठीक है परेशान मत हो आप एक बार बता दो कमेंट करके सब ठीक है दस बारह सेकंड के लिए खराब हुआ मेरा तो चालीस सेकंड का टाइमर भी खत्म हो गया था फिर मैंने कहा आवाज तो कोई आ नहीं रही है मतलब कोई तो दिख नहीं रहा है आप कमेंट करके इसका आंसर बताओ अब ठीक है बताओ कॉमेंट करके आंसर नजर लग जाती है यार नजर लग गई कोई बात नहीं कोई बात नहीं लगने दो जो लगता है लगने दो चलो उड़ाओ आप बताओ इसका आंसर अरे अपने बच्चे वापस आ जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जानते हैं फास्ट धर्मेश तुम्हें स्पेशल पर आना तुम्हें सीधा ब्लॉक करूंगा मैं ठीक है इतनी मेहनत से सर पढ़ा रहे हैं तुम कह रहे हो स्पेशल पे मिलेंगे हैं? चलो जल्दी बताओ देखिए आंसर क्या है दोस्तों देखिए क्या चल रहा है इसमें सी का कर दिया एक्स आर का आई ए का जेड एस का एच फिर एच का एस ऑपोजिट चल रहा है टी का जी आर का आई ए का जेड आई का आर एन का एम ऑपोजिट तो एफ का यू ओ का एल आर का आई एम का एन ए का जेड टी का जी ये आ जाएगा यूएल आई एन जेड जी यूएल आई एन जेड जी ऑप्शन नंबर फोर इसके दो क्वेश्चन रखे ये तो नॉर्मल वाला था अगला वाला मिंटोज ये नॉर्मल जिंदगी ऑपोजिट एक नंबर का पूछ रहा था इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम तो एक इजी वाला एक थोड़ा डिफिकल्ट वाला है अगले वाले को करने के लिए थोड़ा दिक्कत आएगी तो अच्छे से देखकर करें ये लीजिए इसमें पैंतालीस है आपके पास उड़ाइए किसने कहा पहला वही तो यही है नहीं पहले वाले में यूएल जे था वो फर्स्ट वाले में यूएल जे था जे आई नहीं था वो जे था फास्ट आर पीओ में आया था ना एक नंबर का हाँ तो शायद कल आ जाए ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गए ठीक है कोई बात नहीं फास्ट एक को भी एग्जाम था आर क्लर्क का तब तो ऐसा सेशन नहीं लिया यार यार झूठ मत बोलो आद्या तुम पढ़ती नहीं होगी हमने तो लिया था था और इन लोगों ने दिया भी था। चलो भैया भाई तुम लोग पढ़ते नहीं हो मैं क्या करूं मैं तो आज भी यहां नहीं आता बस मैं तो आ गया मैंने कहा दिखा दे वापस हम लोग की हाँ हम लोग जिंदा है हम लोग इतने सारे बच्चों को लाइव लेकर आते देखो बच्चे ऐसा नहीं है हमने आरआरबी क्लर्क में स्पेशल पे कराया था आज भी हम इस पूरे हफ्ते भी स्पेशल पे कराया बस ये एक घंटे स्पेशल की जगह यूट्यूब पे आए हैं ठीक है केवल के ये एक घंटा अगले डेढ़ घंटे फिर स्पेशल ठीक और उसके बाद मेंस भी पढ़ाएंगे कम से कम तीस चालीस घंटे मेंस भी पढ़ाएंगे कम से कम तीस चालीस घंटे ठीक है परेशान मत हो चलो देखो ये क्या चल रहा है ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस तो दिमाग लगाना है फिर प्लस माइनस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू माइनस टू क्लिक किया कि नहीं है बताओ बताओ लॉजिक क्या है लॉजिक बता दो बस उसमें ही खत्म हो जाएगा लॉजिक क्या है लॉजिक बताओ लॉजिक क्रैक करके बताओ लॉजिक क्या है दोस्तों और बढ़िया लगे लॉजिक तो एक बार लाइक पर कर देना लॉजिक क्या है लॉजिक मुझे बताओ मुझे पूरे क्वेश्चन से मतलब नहीं है लॉजिक से मतलब है दोस्तों लॉजिक से लॉजिक क्या है लॉजिक क्या है लॉजिक है जहां पर भी वोवेल आ रहा है वोवेल बच्चे जहां पर भी वोवेल आ रहा है वहां प्लस टू वहां प्लस टू तो वॉवेल में प्लस टू कॉन्सोनेंट में माइनस टू ठीक है अब जो भी आपका आंसर होगा कर लेना यू का माइनस टू एस आई का माइनस टू नहीं वोवेल में प्लस टू यू का प्लस टू डब्ल्यू आई का के डब्ल्यू और के देखो सेकंड नंबर पर का है इसमें नहीं है इसमें है इसमें भी है इसमें नहीं है इसमें भी है ठीक है के का माइनस टू के का माइनस टू हो जाएगा I, तो ये वाला भी नहीं होगा इन दोनों में से होगा अब यहां A और भी मैं चेक करू C का माइनस टू ए ये वाला होगा O W K I, O के o ओकाई ओकाई विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन I। बढ़िया लगे तो लाइक पे टिक कर देना ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांच ऑड वन आउट फाइंड करना है कौन सा वाला डिफरेंट है कौन सा वाला डिफरेंट है फास्ट हा न्यू ब्रांड ओकाई हाँ। होकाई का ओकाई ओकाई बना दिया हमने फास्ट ताबड़तोड़ अप्रोक्स तेरालीस सौ बच्चे देख रहे हैं ऑप्शन बी चलो भैया ऑप्शन बी वाला देख लो क्या चल रहा है दोस्तों सिंपली क्वेश्चन आएगा वन एट द रेट हैश एक का नेक्स्ट uh, फिर एक का गैप के बाद 604 ये तीनों साथ में ही है नो ई वाई नो ई वाई ठीक है सेम पहले वाला एट द रेट एट नाइन एट द रेट का है एट द रेट का है एट नाइन सेम पैटर्न तो अब तो कर भी सकते हैं कि यही वाला अलग है फिर भी आखिरी भी देख लो एक्स फाइव के एक्स फाइव के ठीक है भाई यही वाला डिफरेंट है बाकी सबसे आखिरी क्वेश्चन सीरीज का ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाओ चलिए आखिरी क्वेश्चन सीरीज का फिर इन इक्वालिटी पर पंद्रह पंद्रह सेकंड में उड़ाएंगे पंद्रह पंद्रह सेकंड में इन इक्वालिटी उड़ाएंगे और भैया बैंकर्स वे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी अभी तक नहीं किया है जिसने भी अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिएगा फास्ट जल्दी जल्दी बताओ भैया चलिए देखिए पहली डिजिट को बदल दो दूसरे वाले से तो कौन सा वाला सेकंड हाईएस्ट है तो केवल दूसरे वाले को देखो बस दूसरे डिजिट पर फोकस करो तो सेकंड हाईएस्ट ये नौ वाला हाईएस्ट और दूसरा हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा सात वाला भैया नौ सौ छिहत्तर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सीरीज खत्म और मुझे लगता है कल कोई भी क्वेश्चन सीरीज का इससे बाहर नहीं पूछेगा सीरीज खत्म चलो अगले पंद्रह पंद्रह सेकेंड उड़ाइए इन इक्वालिटी बीस सेकेंड का समय उड़ाइए यही अच्छा क्वेश्चन है याद रखना इन इक्वालिटी का बढ़िया क्वेश्चन है ये बीस सेकेंड फर्स्ट सेकेंड आधर ना इधर बहुत फर्स्ट सेकेंड Either, Neither, Both. फास्ट चलिए देखते हैं तो भाई जिसने भी फर्स्ट किया बहुत बढ़िया बहुत लाजवाब तुमने तो गजा भी कर दिया वी बड़ा है एम से तो वी किधर है वी और एम वी बड़ा नहीं वी तो छोटा है एम से हटाओ कह है एम बड़ा, बड़ा बराबर है नहीं एम तो बड़ा बराबर नहीं एम तो बड़ा है वी से पहला भी गलत दूसरा भी गलत हमारे पास एग्जेक्ट आंसर है एम बड़ा है जब एग्जेक्ट आंसर है कि एम बड़ा है वी से तो तीन साइन में आइर और नहीं लगाते तीन साइन में आइर और तो तब लगाते हैं इफ सीरीज ब्रेक ऑप्शन नंबर आंसर आएगा नाइदर अगर सीरीज ब्रेक होती तब तीन साइन तब आइडर और आता फिलहाल क्या है फिलहाल डायरेक्टली आंसर है हमारे पास की एम बड़ा है वी से तो यहां पर बड़ा वाला दिया ही नहीं इसलिए ना इधर बहुत बढ़िया लाजवाब यह है कंटेंट इस चक्कर में यहां पर इतने बच्चे अवेलेबल है हैं हवाबाजी में नहीं मेहनत की है इतने सालों से आपके लिए आज पढ़ लीजिए सिंगल सिंगल एक एक क्वेश्चन आपको कंटेंट क्वालिटी दिख जाएगी सिंगल में भी जो गलत होंगे वो आज भी गलत होंगे आगे बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन चैलेंज होगा बीस सेकंड में करना लीजिए उड़ाइए चलिए उड़ाइए बीस सेकंड में फास्ट ये करिए आप पहले यह करके दिखाओ और दोस्तों कल रिव्यू देंगे रिव्यू में आना ठीक है रिव्यू में आना टाइम से भूल मत जाना ठीक है आर बड़ा हो सकता है एम से देखो आर और एम सीरीज ब्रेक नमस्ते करो निकल लो A और एस ए बड़ा हो सकता है एस से हां हो गया ए बड़ा है एस से राइट ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात उड़ाइए बीस सेकंड का समय है फास्ट टाइम आप देखिए, जे बड़ा है टी से हां बड़ा है एल बड़ा, बड़ा बराबर के तो एल बड़ा बराबर नहीं एल तो बड़ा है हटाओ ओनली फर्स्ट सिंगल सिंगल स्टेटमेंट वाले तीन हो गए अब डबल डबल वाले बीस बीस सेकेंड में उड़ाने वो भी बीस बीस सेकेंड उड़ाइए 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 दोस्तों चलिए फास्ट आ रहा है आंसर चलिए देख लेते हैं फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है क्या आ रहा है देख लीजिए सी बड़ा हो सकता है कलर चेंज कर ले यार सी बड़ा हो सकता है हां टी छोटा हो सकता है हां कॉमन टर्म एस सी बड़ा बराबर एस एस बड़ा टी बड़ा बराबर बड़े में बड़ा आंसर आया था राइट हो गया आर बड़ा हो सकता है कभी नहीं नमस्ते करो निकल लो आर बड़ा हो सकता है कभी नहीं नमस्ते करो निकल लो ऑनली फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन इन क्वालिटी का बीस सेकेंड में उड़ाइएगा बीस सेकेंड में अच्छा एक को ब्लॉक कर दिया ठीक है शाम रक्षाबंधन आ रही है राखी भी बंधवा लेना तुम चलो Time up. एक दो गधे आ ही जाते हैं टाइम पास करने अपना Z बड़ा हो सकता है हाँ W छोटा हो सकता है ना नमस्ते करो निकल लो Y बड़ा बराबर हो सकता है Y किधर है हाँ D छोटा बराबर हो सकता है हाँ Y बड़ा बराबर T T बड़ा बराबर D तो Y बड़ा बराबर D राइट ओनली सेकेंड ओनली सेकेंड बोथ नहीं अरे भाई साहब बोथ नहीं डब्ल्यू खुद बड़ा है। मैंने क्या कहा थोड़े दिन पढ़ लो गुजारो कभी हमारी जगह है ना थोड़े दिन गुजारो हमारी क्लास में तो समझ में आ जाएगा क्या फर्क है Z बड़ा हो सकता है, हाँ W छोटा हो सकता है W ने क्या कहा मैं इतनी मुश्किल से बड़ा हुआ हूं तुम कह रहे हो छोटा हो सकता है हटाओ Y बड़ा बराबर हो सकता है कुछ भी हो सकता है D छोटा बराबर हो सकता है कुछ भी हो सकता है वाई बड़ा बराबर टी टी बड़ा बराबर टी बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर, बड़ा बराबर। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आखिरी क्वेश्चन इनको उड़ाइए बीस सेकेंड में उड़ाइए दोस्तों कल भूलना मत आ, क्लास में आना है क्या बोलते क्लास में तो आओगे रिव्यू में भी आइएगा बैंकर्स वे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक भी उड़ाई फास्ट वेरी वेल डन यार निधि सेकंड भारती सेकंड अक्षय सेकंड नितेश बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया देखो बस एक चीज की कमी है अभी थम्सअप कम है सैतालीस सौ प्लस बच्चे देख रहे हैं लाइक अभी अप्रोक्स थ्री थाउजेंड है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट तरीके से यार अपने भी मनोबल बढ़ना चाहिए रात के आठ से दस डेली आपके साथ तो पिछले दिनों से नहीं पिछले ढाई तीन महीने से जब भी एग्जाम आता तो दो ढाई घंटे एग्जाम नहीं होता तो एक घंटे डेली आपके साथ ठीक नहीं। नहीं तो आर बड़ा बराबर हाँ। जे छोटा हाँ। आर बड़ा जेड़, जेड़ बड़ा तो आर बड़ा बराबर एल हो गया सॉरी आर बड़ा बराबर जे हो गया सेकेंड एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए आउट ऑफ सिक्स छह में से कितने आपके सही हैं इन इक्वालिटी में छह में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइए अब छह क्वेश्चन आएंगे के दो स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन वाले दो तीन स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन वाले दो दो स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन दो तीन स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन दो ठीक और सुनिए आज मैं कहता हूं आपसे वैसे तो मैं जनरली कहता नहीं हूं आज आपसे बोलता हूं अब आप, आप देखिएगा हम लोग विदाउट डायग्राम करते हैं ठीक आपने प्री तो आपने विदाउट डायग्राम सिखाया नहीं तो आप मेंस का विदाउट डायग्राम क्यों करवा रहे हैं आप चेक करके देखिएगा जब प्री में ही आपने कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया विदाउट डायग्राम तो मेंस में कैसे तो हम यहां पर आपको प्री में ही विदाउट डायग्राम सिखा रहे हैं, मेंस में तो सिखाएंगे सिखाएंगे विदाउट डायग्राम तो जो आपको प्री में सिखाया हम उसी को आगे कैरी करेंगे जबरदस्ती ना कभी सिखाया ना कभी सिखाएंगे प्री वाले रिवर्सलॉग्स को आगे लगाएंगे यहां पर आपको हमेशा बेसिक से ही सिखाया जाएगा कि आपको चीजें कैरी करनी पड़े ये वाली आगे काम आए ऐसे नहीं कि मेंस में आओगे तो पुराने वाले सारे रूल फेल अब नया पढ़ो नहीं ऐसे नहीं होता नेक्स्ट उड़ाइए फर्स्ट सेकंड आइदर ना इधर बोत करिए उड़ाइए फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ जल्दी फास्ट ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट आ रहा है अभी तक देखो सम सीधा यहां जाएंगे सम सॉलिड आर नॉट कोल्ड तो कोई भी सॉलिड कोल्ड नहीं है तो सम तो वैसे नहीं होगा राइट हो गया कोई भी कोल्ड आइस नहीं है देखो आइस ने कोल्ड के बारे में आइस का थोड़ा सा पार्ट सॉलिड के पास है वो तो कोल्ड नहीं है लेकिन सारा आइस कोल्ड नहीं है ये हमें नहीं मालूम हटाओ कह रहे कोई भी आइस कोल्ड नहीं है तो ये हमें नहीं पता सॉरी so, कोई भी कोल्ड अच्छा यार गलती पढ़ लिया कोई भी कोल्ड आइस नहीं है तो कोल्ड ने कहा मना किया सॉलिड के पास जाने को सॉलिड के बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं मालूम हटाओ कोल्ड ने कहा जाने के लिए मना किया सॉलिड के पास सॉलिड के बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं बोला हटाओ तो हम क्यों कहें कोल्ड ने सॉलिड के बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम क्यों कहें ओनली फर्स्ट रू नेक्स्ट फास्ट तीन क्वेश्चन दो स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन तीन तीन स्टेटमेंट दो कॉन्क्लूजन फास्ट बोथ चलिए देख लेते हैं सम हॉट कैन बी नीट देखो हॉट कुछ हॉट फ्लोर है कुछ फ्लोर नीट है हॉट और नीट का कुछ नहीं मालूम दो सर्किल के बीच में कुछ नहीं मालूम पॉसिबिलिटी आएगा राइट right हो जाएगा कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी सारे फ्लोर नीट हो सकते हैं तो रूल याद होगा खैर आप लोग तो बहुत होशियार लड़के हैं लड़के मतलब बच्चे हैं दोनों तरह के जब नेगेटिव ना हो और डायरेक्टली ना हो तो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी सही हो जाती है नाम अपने आप लिख लेना खत्म नेगेटिव नहीं है डायरेक्टली नहीं है तो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी राइट बोथ करेक्ट नेक्स्ट मुझे याद है काफी लोगों को रूल याद है वाले अब तो दिक्कत की बात है ही नहीं फास्ट नेगेटिव ना हो डायरेक्टली ना हो बहुत बढ़िया यार अगेन बोथ चेक कर लेते हैं देखिए सम जग कैन बी स्पून जग का है जग कहा नहीं जाता काइट के पास काइट के पड़ोसी के पास जा सकता है हाँ जग कहा नहीं जाता काइट के पास काइट के पड़ोसी के घर जा सकता है हाँ सम स्पून आर नॉट जग तो देखो पहला तो राइट हो गया स्पून का वो हिस्सा जो काइट के पास है स्पून का वो हिस्सा जो काइट के पास है कांजा जाके जग के पास तो सम स्पून जो काइट है क्या नहीं है जग नहीं है राइट बोथ करेक्ट पहला भी और दूसरा भी पहला भी और दूसरा भी अब आपको 25 सेकंड में तीन स्टेटमेंट दो दोन करना है क्योंकि आपका सेकंड वीक एग्जाम है तो आपके में तीन स्टेटमेंट वाला भी आ सकता है नो डाउट लास्ट वीक दो स्टेटमेंट दो दोन आया था लेकिन आपके में तीन स्टेटमेंट दो दोन भी आ सकता है तो ध्यान से करें यह लीजिए चलिए उड़ाइए तीन स्टेटमेंट दो दोनों हिंदी है तो कोई बात नहीं यार काम चला लो भाई कोई बात नहीं यार काम चला लो हिंदी गलत है तो देखो मैं आपके साथ कोशिश कर सकता हूं ठीक है आप भी काम चला लिया करो कमियां देख रहे हो इतने सारे सही हैं उसमें तो निका आपने टाइम आप टाइम 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 अप 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 देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कोई भी कंप्यूटर टीवी नहीं है देखो टीवी और कंप्यूटर के बारे में कुछ कंप्यूटर मोबाइल है कुछ कंप्यूटर मोबाइल है सारे मोबाइल टीवी है तो कुछ कंप्यूटर जो मोबाइल है वो टीवी से पूछ कर ही गए होंगे कुछ कंप्यूटर मोबाइल है तो मोबाइल के पास जाने के लिए टीवी से होकर गुजरना होगा तो कुछ कंप्यूटर टीवी है ये तो सही है तो कोई भी कंप्यूटर टीवी नहीं है इसके बारे में हम क्यों कहें लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया होगा नो no भी दे रखा है सम भी दे रखा है आइदर और तो भैया आईधर और नहीं आएगा यहां ऑलरेडी गिवन है यहां आइर और नहीं आएगा ऑलरेडी गिवन है सम कंप्यूटर आर टीवी कैसे पता लगा कुछ कंप्यूटर मोबाइल है अगर मोबाइल है तो टीवी से पूछ कर ही गए होंगे तो कुछ कंप्यूटर आर टीवी क्लियर है सही है ओनली फर्स्ट ट्रू सॉरी ओनली सेकेंड ट्रू ओनली सेकेंड ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिलॉक्स का पांचवा पॉजिटिव में नेगेटिव वैसे ही गलत हा फास्ट गजब बहुत बढ़िया यार फास्ट नाइदर और वेरी गुड अक्षता सुमन अजहर अजहर ने फर्स्ट बोला अजहर तुमने फर्स्ट क्यों बोला भाई मेरे देखो रुक जा भाई टाइम ऑल डॉग कैन बी रेट डॉग ने पूछा कैट से चलोगे रेट के घर डॉग ने पूछा कैट से चलोगे रेट के घर इसने मना कर दिया हटाओ ऑल आंट आर डॉग आंट रेट है ऑल आंट आर डॉग कहीं दिख रहा है नहीं हटाओ नाइदर न ऑल आंटर डॉग डेफिनेट में पूछ रहे हैं? नहीं आखिरी क्वेश्चन सिलॉक्स का चलिए फिर चलते हैं ब्लड रिलेशन ऑर्डर रैंकिंग डायरेक्शन जो एग्जाम में आप गलत कर सकते हैं सारे सही हो रहे हैं तो गजब मजा के आ जाना कल गजब यार बहुत बढ़िया ओके okay, सुब्रत बिल्कुल ये बात ध्यान रखेंगे आपकी फास्ट नाइदर नॉन नन नाइदर नॉर नन चलिए चेक कर लेते हैं भाई सम बॉल आर नॉट कार पहला है सम बॉल आर नॉट कार पॉजिटिव 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 नेगेटिव नमस्ते कर दो नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव नमस्ते कर दो ना इधर न और करो निकल लो तैयारी एक लेवल आगे अब ब्लड रिलेशन के लिए ब्लड रिलेशन है ऑर्डर रैंकिंग डायरेक्शन पहले ऑर्डर रैंकिंग आ गया डेढ़ मिनट का समय है उड़ाइए डेढ़ मिनट का समय है ऑर्डर रैंकिंग है करिए बस एक लाइन अच्छी है एक लाइन अच्छी है जो फंसा सकती है सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से अभी डेढ़ घंटे स्पेशल पे भी है उसमें पज़ल ही पजल है दोस्तों डेढ़ घंटे स्पेशल पे डालेंगे पज़ल ही पजल डेढ़ मिनट ट्राई करो थर्ड टॉलेस्ट बताना है थर्ड टॉलेस्ट Fast order ranking, direction, blood relation. Fast हो गया तो डन लिख देना अगर हो गया तो डन हो गया तो डन चलो भैया टाइम खत्म टाइम खत्म टाइम खत्म टाइम खत्म बताइए आंसर आंसर बताइए डन डन आर डन डन ऑप्शन नंबर बताओ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई e. पी एन एम आर रन ऑफ दिस पी एन एम आर रन ऑफ दिस चलिए देखते हैं एक ही लाइन अच्छी थी क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन आएगा दो सौ तीन नंबर का सात मेंबर है अलग अलग हाइट है एम टॉलर देन एल एंड क्यू एम टॉलर है एल से और क्यू से पी shorter देन only एन ये सबसे अच्छी लाइन है पी केवल एन से छोटा है तो पी केवल एन से छोटा है तो बाकी सबसे बड़ा होगा क्या ये पॉइंट सही है किस किसने ठीक बनाया बाकी तो बन जाएगा P, केवल एन से छोटा है केवल एक व्यक्ति से छोटा है इससे बाकी सबसे बड़ा होगा एम छोटा है ओ से एम छोटा है से, नहीं नहीं है, Q सेकंड नहीं है, और लिखा हुआ है कम से कम तीन परसेंट बड़े हैं से, तो भैया ओ यहां नहीं ओ यहां नहीं ओ यहां नहीं तीन लोग तो बड़े ही हैं ओ से तो ओ एम एल क्यू तीन लोगों से बड़ा है तो ओ यहां आ गया एम यहां आ गया एल और क्यू में से क्यू यहां नहीं तो एल यहां क्यू यहां बचा हुआ यहां नमस्ते करो निकल लो ये बताओ किस किस का करेक्ट है सही है सही इतने लेवल का आना है क्लर्क लेवल का आएगा आपने कर लिया अब आप, आप देख लेना आप कितनी देर में कर रहे हो ब्लड रिलेशन थोड़ा सा अच्छा है थोड़ा सा तो ध्यान से करेंगे किस किस का ठीक हुआ ये बता दीजिए जरा किस किस का ठीक हुआ ये बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और याद रखना पहले तो बैंकर्स पे सब्सक्राइब कर लो जिस बच्चे ने नहीं किया है ठीक है कल रिव्यू है टाइम से पहुंच जाना इतने सारे बच्चों से रिव्यू दिलवाया जाता है आपको ऑथेंटिक रिव्यू लाइव इसके अलावा नौ बजे अभी स्पेशल पे पढ़ाऊंगा साढ़े नौ बजे भी स्पेशल पे दस बजे भी स्पेशल पे नौ से साढ़े दस बजे डेढ़ घंटे सिटिंग सिटिंग और पजल सिटिंग और पजल ठीक है आगे बढ़ते हैं ब्लड रिलेशन उड़ाइए ये लीजिए बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से करें चलो ब्लड रिलेशन ध्यान से कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया भाई रिव्यू में कल आ जाइएगा टाइम से और रिव्यू भी दे दीजिएगा बताइएगा एस कौन लगता है क्यू का डन, 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 डन वेरी गुड यार प्राची जय किशन नेहू क्या आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर चलो बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया देखिए इसमें इसमें जो एक पॉइंट अच्छा है वो ये है आठ मेंबर हैं तीन जनरेशन है जनरेशन हो गई तीन दो कपल है देखो दो मैरिड कपल है याद रखिएगा तीन जनरेशन है और मेल ज्यादा है फीमेल से मेल ज्यादा होने चाहिए फीमेल से ये है की पॉइंट असली ये है कलर चेंज कर लेता हूं एम ब्रदर ऑफ क्यू एम भाई है क्यू का मेल के लिए स्क्वायर फीमेल के लिए सर्कल क्यू ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स क्यू ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स एक्स की शादी हुई है एस से तो एक कपल तो ये मिल गया अब एक और और मिल सकता है टी इज फादर ऑफ क्यू देखो क्यू के फादर टी तो दूसरा का अब ये मिल जाएगा टी इज फादर ऑफ क्यू एस लॉ है तो ये मदर लॉ होगी तो फीमेल हो गई टी ब्रदर ऑफ ए टी भाई है ए का और एच का टी इज ब्रदर ऑफ ए एंड एच एच इज आंटी ऑफ क्यू क्यू की आंटी है एच देखो मेल ज्यादा होने हैं फीमेल से तो काउंट करो कितने मेल हो गए एक एरा मेल एक ईरा मेल एक ईरा मेल तीन मेल हो चुके एक दो तीन तीन फीमेल हो चुकी तीन मेल हो चुके तीन फीमेल हो चुकी अब मेल को अगर ज्यादा होना है तो मजबूरी है बचे हुए दोनों लोगों को मेल ही होना पड़ेगा वाओ खत्म हो गया क्वेश्चन क्योंकि अगर आप एक मेल करते हो एक फीमेल तो चार मेल चार फीमेल हो जाएंगी मेल को ज्यादा करना है तो पांच मेल तीन फीमेल कैसा लगा क्वेश्चन क्लर्क लेवल का तो है ना यार एटलीस्ट क्लर्क में मैक्सिमम इतना जाएगा इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो क्वेश्चन था एस कौन लगता है एस ग्रैंड फादर है क्यू के क्लियर है भाई S is grandfather of Q. एक बार सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से लाइक कर देना फोर्टी नाइन हंड्रेड आप देख रहे हैं डायरेक्शन और कर लो लो डायरेक्शन फटाफट उड़ाओ इसके लिए डेढ़ मिनट है मैक्सिमम उड़ाइए इसके बाद चाइनीज कोडिंग भी है चिंता मत करो चाइनीज कोडिंग भी है भाई यही दिल तोड़ दिया तुमने उड़नचास देख रहे हैं सब बच्चों का लाइक चाहिए इतनी मेहनत से बताया गया यार अभी डेढ़ घंटे और बताया जाएगा मेंस की क्लास भी कराई जाएगी कम से कम तीस से चालीस घंटे तो भैया एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक तो बता सकते हैं आप लाइक तो कर सकते हैं यार टाइम निकाल के यार उड़ाओ अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना मेरे को फॉलो कर लेना स्पेशल क्लास में मिलेंगे सभी बच्चों सुन लो अभी बैंकर्स में सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर किसी ने नहीं किया है तो चलो भैया आंसर आ गया है बताइए आंसर देखो मैं सीधा डायग्राम दिखा रहा हूँ उसमें टाइम बर्बाद नहीं करते चाइनीज कोडिंग भी करा लेंगे देखो मैं सीधा आंसर दिखा रहा हूँ उसमें क्या डायग्राम बनाऊँ मैं राखी मार्केट जाने जा रही है दस मीटर नॉर्थ चली ठीक है फिर लेफ्ट तेरह मीटर फिर वेस्ट डायरेक्शन में सात तो पहले तेरह फिर सात फिर नाइन्टी डिग्री क्लॉक और पाँच यहाँ पहुँच गई क्वेश्चन है शॉर्टेज डिस्टेंस तो दस और पाँच पंद्रह इधर हो गया और बीस इधर पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस बीस का चार सौ छह सौ तो पच्चीस किसका स्क्वायर होता है पच्चीस का तो भैया पच्चीस आ जाएगा पच्चीस मीटर जो भी है ठीक है सही है सबसे पहले सबसे पहले जितने भी बच्चे यहां पर है मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दू देख लो भाई अगली क्लास तीन कहां पर और डेली चल रही है चार चार क्लास वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी जिसको नहीं पता अन अकेडमी डॉट कॉम पर जाइएगा आप लॉग इन कर लीजिएगा अपना नंबर वगैरह डाल के अन अकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड कर लेना यहाँ पर सर्च करना लॉग इन कर लेना नंबर वगैरह डाल के सर्च करना पुनीत कुमार शर्मा क्लिक करना सर्च करना क्लिक करना मेरे प्रोफाइल आ जाएगा इसको फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए फॉलो करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा एक दो तीन ये आ जाएगा स्पेशल क्लास जैसे ही आप सी ऑल करोगे दोस्तों

मिक्स पजल हुआ था इन इक्वल्टी फ्लॉग सीरीज हुआ था उधर परसों भी चार चार क्लास हुई थी तो ये इतनी सारी क्लास है आप चाहे तो मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं पर क्यों देखनी है लाइव देखना ना आके आज तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो मुझे फॉलो कर लो फटाफट वहां मिलो एक क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग का और है, वो और करा देता हूं ठीक है सही है भाई चलिए आ जाइए तो हर हाँ किसी को भी बैच परचेस करना हो तो एवीपी टेन कोड लगाए और परचेस कर ले अट्ठारह तारीख को बैच स्टार्ट होने वाला है क्लर्क प्री के लिए एवीपी की कंप्लीट टीम का आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं दस परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसको लगाते हैं तो आगे बढ़ते हैं चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का ये लीजिए उड़ाइए डेढ़ मिनट का समय उड़ाइए उड़ाइए फटाफट डबल रो हिमांशु तुमने कहा हमने समझ लिया पहला क्वेश्चन उसमें सात साउथ सात नॉर्थ डबल रो ये क्यों चिंता कर रहे हो बारह पजल है डेढ़ घंटे का शो है बारह पजल का डेढ़ घंटे का शो है सबसे पहले सात साउथ सात नॉर्थ ही होगा फटाफट 90 डिग्री राइट पुष्पा 90 डिग्री राइट तो क्लॉकवाइज अगर नहीं आया तो अभी रहें दो क्योंकि अभी टाइम नहीं है कितने वर्ड है देखो दोस्तों मैं इसका सीधा आंसर दिखा रहा हूं क्योंकि नौ आठ बज के उनसठ मिनट हो गई है विद इन वन मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा आप भी पहुंचिए स्पेशल क्लास में इसका कंप्लीट आंसर मैं दिखा रहा हूं कंप्लीट आंसर ये रहा आपके सामने पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा ठीक है सही है तो इसको ये देख लीजिएगा ये इसका आंसर है बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा बैंकर्स पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल रिव्यू में सुबह जरूर जुड़िएगा हम लोगों के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट मिलते हैं कल बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑल दी वेरी बेस्ट